चलिए आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं, जहां योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। हमारे नगर विकास, परिवहन विभाग और औद्योगिक विकास के प्रमुख सचिव, अन्य अधिकारीगण, अभी उत्तर प्रदेश सरकार और अशोका लेलैंड के बीच में एक महत्वपूर्ण एमओयू साइन हुआ है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश में भविष्य के एक नए क्षेत्र के लिए इस एमओयू साइन करने के लिए हिंदुजा ग्रुप को हृदय से अभिनंदन करते हुए धन्यवाद देता हूं। आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। 25 करोड़ की आबादी अपने स्वयं के राज्य की, और नेवर स्टेट की जो जनता उत्तर प्रदेश में अपने व्यापार और रोजगार के लिए निर्भर करती है, कुल 30 करोड़ की आबादी को आबादी का एक बड़ा श्रम और उपभोक्ता बाजार उत्तर प्रदेश के पास है। यानी जितना आपका बिजनेस यूरोप या अन्य देशों में है, उतना के लिए यूपी अपने अंदर समाहित करने की क्षमता रखता है। और इस दिश से मैं देख के ताजुब करता था कि हिंदुजा ग्रुप यूपी से आखिर क्यों दूरी बनाए हुए है, क्योंकि अशोका लीलैंड की बसेज चलती हैं, लेकिन निवेश जिस राज्य में सर्वाधिक संभावना है वहां से दूरी थी, कोई निवेश नहीं था। मैंने कई बार हिंदुजा जी से इस बारे में आग्रह किया था कि उत्तर प्रदेश में आना चाहिए, और मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने रुचि दिखाई और आज धीरज जी स्वयं अपनी टीम के साथ में यहां पर आए हैं और उन्होंने इस महत्वपूर्ण एमओयू को यहां पर साइन किया है, और वह भी एक ऐसे सेक्टर में जो भारत की ऊर्जा की आत्मनिर्भरता की दिशा से प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने के लिए ईवी सेक्टर का है। यह हमारे भविष्योन्मुख दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। एक तरफ हम लोग परंपरागत चलने वाले उस ईंधन पर जो हमारे यहां उत्पादन नहीं होता, जिसके लिए हमें अपनी महत्वपूर्ण मुद्रा को देना होता है, उस पर हमारी निर्भरता को कम करेगा। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी के 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में जो विजन है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में भी उत्तर प्रदेश आगे बढ़ पाएगा, और इस दिश से आज का यह एमओयू अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई है। उत्तर प्रदेश में हमारे जितने भी निवेशक आते हैं या जो उद्यमी पहले से हैं, उन सबको सभी प्रकार की सुरक्षा और शासन की हर प्रकार की सुविधा राज्य सरकार उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। देश के अंदर सुरक्षा और कानून व्यवस्था का मॉडल उत्तर प्रदेश ने दिया है। 6 वर्ष में जिस उत्तर प्रदेश में 6 वर्ष पहले हर दूसरे तीसरे दिन एक बड़ा दंगा होता था, 6 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी आबादी के साथ बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रहा करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर
निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप